फिल्म्स की जानी मानी गायिका फागुनी पाठक के बारे में आज बात करना चाहेंगे। कुछ बातें ऐसी आपको बताना चाहेंगे उनके बारे में। गुजराती परिवार में पली बढ़ी फागुनी पाठक, जो कि मुंबई के गुजराती परिवार की सिंगर है, उन्होंने मैंने पायल है छनकाई, याद पिया की आने लगी जैसे खूबसूरत गाने को अपनी आवाज दी। उनकी शख्सियत बहुत प्यारी आवाज, खूबसूरत आवाज के लिए भारतीय लाखों भारतीयों के दिल में आज भी बड़ी पहचान बनाकर रखी हुई है। उनकी जिंदगी को करीब से आप शायद ना जानते हो। 90 के दशक में कई खूबसूरत गाने उन्होंने गाए। 12 मार्च को उनका जन्मदिन है, 53वां जन्मदिन मनाती है वो। आज 53 साल की वो हो गई है और साल 1964 में उनका जन्म हुआ था। कुछ बातें आपको बताना चाहेंगी उनके बारे में। पांचवी बेटी है वो अपने माँ बाप की, 4 बेटियों के बाद पांचवी बेटी है फाल्गुनी पाठक, 5वीं संतान है वो। और लड़कों की तरह वो हमेशा अपनी जिंदगी गुजारती आई है। सिंगर ही नहीं, एक परफॉर्मर भी है वो। उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया है। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, स्टार, डांडिया धो, बा बहू और बेटी जैसे शोज में भी वो दिख चुकी है। कौन बनेगा करोड़पति, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का भी वो हिस्सा रह चुकी है। 10 साल की उम्र में उन्होंने अलका याग्निक के साथ रिकॉर्ड किया। फिर 9 साल की उम्र में स्टेज पर परफॉर्म करने वाली इस गायिका ने पीछे कदम कभी नहीं रखा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।